Hi guys, welcome or welcome back to my channel Secret Makeover. This is Swati and I hope you all are good and doing well. तो जैसा कि आप सभी को टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में आप क्या देखने वाले हो, तो मैं आप सबका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधे बताती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अनारकली गाउंस. यस, तो आप सब बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो. मैं जैसे जैसे वीडियो बनाते जा रही हूँ उसके ऊपर आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो आप लोग को पसंद आ रही है वीडियो तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. तो आप सबके ही डिमांड पे मैं एक बार फिर मीशो की अनारकली कुर्ता सेट लेकर के आ गई हूँ, जिनकी प्राइसेस बड़ी ही अफोर्डेबल होने वाली है. सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्सल की, और ये देखो इनकी पैकिंग कितनी क्यूट लग रही है. मतलब यही वाला ही कलर में थी बट थोड़ी सी उन्होंने डिजाइन को डिफरेंट कर दी है. तो ये आ गई हमारी पहली ड्रेस हमारे हाथ में. और अब आप पहले पैटर्न देख लो इसका कि मैंने क्या ऑर्डर किया है. इस टाइप के ड्रेसेस ना बहुत ही ज्यादा वायरल हो रखे हैं, इंस्टाग्राम पे देखने को मिलते हैं, और आप सबकी भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है ऐसे ड्रेसेस के लिए. मतलब मैं जब ऐसे वीडियोस बनाती हूँ तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है. तो मैंने सोचा चलो अभी इसको भी, इस ड्रेस को भी ट्राई करते हैं और देखते हैं. तो ये है हमारी ड्रेस, पैटर्न आपने ऑलरेडी देख लिया है. इसमें हमें मिल जाता है ड्रेस और दुपट्टा, यानी इसमें कोई बॉटम वेयर नहीं है क्योंकि ये लगभग फुल लेंथ की ड्रेसेस होती हैं, तो इसमें इन्होंने बॉटम वेयर नहीं दिया है. प्लस ये थोड़ी सस्ती होती हैं एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम स्टोर, तो इसलिए शायद से ये ट्राउजर पैंट नहीं देके कॉस्ट कम करते हैं मे बी. तो ये हमारी हो गई टॉप, मैं आपको दिखा देती हूँ. टॉप में ऐसी कुछ खास तो डिटेलिंग मुझे दिख नहीं रही है, जो कुछ है ये प्रिंट है. तो इसमें आई गेस ये थोड़ा स्ट्रेट लुक आने वाला है जॉर्जेट फैब्रिक की वजह से, और स्लीव्स फुल स्लीव्स होने वाली है आई गेस. तो ये हो गई हमारी सूट, और इसके साथ हमें मिलता है दुपट्टा. तो अगेन पूरी सेम फैब्रिक है दुपट्टे की, सूट की ही तरह, और लास्ट में ये गोटा पट्टी लगी हुई है. तो अब अगर इस ड्रेस की प्राइस की बात करूं तो ये ड्रेस मैंने मंगाई है 682 रुपीस की. इसका फैब्रिक जॉर्जेट है, साइज मेरी एम है. तो चलो अभी पहन के दिखाती हूँ. सो गाइज देख सकते हो आप, मैंने ये ड्रेस वेयर कर ली है. तो अभी पहनने के बाद जितनी मुझे ये देखने में ना पसंद आ रही थी, अभी पहनने के बाद मुझे ये थोड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई है. क्यों? क्योंकि देखो, एक तो मतलब प्रिंट जो है पहनने के बाद एक सूट का जो लुक समझ में आता है वो समझ में आ रहा है. दूसरी बात, मुझे ऐसे पहनने पे मतलब देखने में लग रहा था कि यहाँ से कोई स्टिचिंग नहीं है तो कोई घेर नहीं आएगा, एकदम से चिपका हुआ मैक्सी ड्रेस टाइप सा ये लगेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो आप देख सकते हो कि इसमें अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा नहीं, मतलब प्राइस के हिसाब से काफी डिसेंट इसमें घेर है. ऐसा नहीं है कि एकदम से ये बॉडी हग कर रहा है. अब अगर मैं प्राइस से कंपेयर करूँ 682 रुपीज, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सही लग रही है. केवल एक चीज जो मुझे इसमें पसंद नहीं आ रही है, या इसको वो सही कर सकते थे, वो है इसका ट्राउजर. या तो इसमें ये ट्राउजर पैंट दे देते, या तो फिर इसको थोड़ी सी और लंबी कर देते तो शायद ये और अच्छी लगती. पर आप डेली वेयर के लिए कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो और आप सुंदर भी दिखना चाहते हो और नॉर्मल ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस में जाना चाहते हो जिसमें हमें कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते थे. तो अगर आप बिना ट्राउजर के इस लेंथ के ओके ओके हो तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो. सो या आप ड्रेस की लुक देख लो, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आ रही है और आपको भी परचेज करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके, सो आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट पार्सल की बात कर लेते हैं. तो बहुत पतली सी पैकेजिंग है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसे होता है, डर सा लगता है जब पतली पैकेजिंग होती है तो बहुत ही अजीब से ड्रेस निकल के आती है. बट प्रिंट तो अभी देखने में बहुत सुंदर लग रही है. आप अगेन पहले पैटर्न देख लो कि मैंने क्या ऑर्डर किया है, और अब हम इसको देखते हैं. ओके, तो प्रिंट तो बहुत सुंदर लग रही है. तो सबसे पहले मैं आपको इस ड्रेस की प्राइस बता देती हूँ ताकि हम उतना ही एक्सपेक्ट करें उस ड्रेस से. तो ये वाली ड्रेस मैंने मंगाई है 552 रुपीस की. केवल 552 की ये ड्रेस है, जिसमें हमें कुर्ता और दुपट्टे का सेट मिल जाता है. तो प्रिंट तो बहुत ही प्यारी लग रही है. मतलब ये देखो कितना ह्यूज फ्लावर का ऐसा प्रिंट है, बहुत ही प्यारा प्रिंट लग रहा है. तो सबसे पहले जो है देख लो नेक की डिजाइन, ये नेक आपको मिल जाता है, उस पर आपको ये गोटा पट्टी लगी मिल जाएगी. पीछे ये नेक है और इस पे देखो डोरियां मिल जाएंगे, उसमें टेसल्स लगे हुए मिल जाएंगे. आई थिंक फुल स्लीव्स या 3/4 स्लीव्स है जिसपे आपको गोटा पट्टी लगी हुई मिल जाएगी. और नीचे के साइड पे ऐसी कोई गोटा पट्टी नहीं लगी है, सिंपल सी यही प्रिंट की पूरी ड्रेस है. और इसके साथ हमें मिल जाता है दुपट्टा, जो कि अगेन पूरी फैब्रिक सूट की है. और साइड्स पे ये देखो ये लेस लगी हुई मिल जाती है पूरे दुपट्टे पे.
तो या लेट्स सी कि ये कैसा लगता है। तो इसमें मेरी साइज एम है और इसकी फैब्रिक जॉर्जेट है। 552 रुपीज की ये ड्रेस है। अब ये 552 के अकॉर्डिंग वर्थ इट है या नहीं है वो तो हमें पहनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो अभी पहन के दिखाती हूँ और फिर बात करते हैं। तो देख सकते हो इसको भी मैंने वेयर कर लिया है। तो कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस पे जो ये बहुत बड़े बड़े से फ्लावर्स बने हैं वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। बट मुझे जो चीज अच्छी नहीं लग रही है ये देखो, तो ये एकदम से मतलब स्ट्रेट लुक लग रहा है, जो कि मैंने पहले वाले में बताया कि यहाँ से कोई प्लेट्स नहीं होती है तो स्ट्रेट लुक होने का डर होता है, जो कि इसमें मुझे ये फील हो रहा है। तो ये अनारकली ड्रेस नहीं लग रही है मुझे, एक मैक्सी ड्रेस लग रही है। मतलब एकदम से बॉडी को देखो तो बॉडी को एकदम से पकड़ी हुई है। तो फोटो आप देखो, फोटो तो उन्होंने मतलब अलग ही कुछ दिया हुआ है। उसमें ओरिगेंजा फैब्रिक है, यहाँ पे फैब्रिक जॉर्जेट मिल रही है और मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। तो घेर नहीं मिलेगा, बाकी तो आप देख सकते हो सब कुछ परफेक्ट है। इसकी लेंथ मुझे परफेक्ट लग रही है, मतलब ट्राउजर नहीं दिया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लेंथ सही लग रही है। बट मुझे वही एक फैक्टर मिसिंग लग रहा है, जो इसमें हल्की सी भी घेर नहीं है और मैं ऐसे स्ट्रेट एकदम से नहीं पहनती हूँ। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, बाकी आप लोग देख रहे हो आप देख लो। अगर आपको नॉर्मल घेर से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कम पैसे में लेने को आप रेडी हो, तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं अपने थर्ड पार्सल को भी ओपन और देखते हैं इसमें हमें मीशो ने क्या भेजा है और इसकी क्वालिटी कैसी रिसीव हुई है हमें। ओके, तो ये पर्पल कलर की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है। मतलब आप पैटर्न देख लो, फोटो देख लो, बहुत ही प्यारी मुझे ये ड्रेस लग रही थी एंड आई होप कि ये ऐसी ही आई हो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इससे। ओके, तो ये बहुत दिनों के बाद लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है, पहला ऐसा ड्रेस है जिसमें ओरिगेंजा और जॉर्जेट से हटके हमें कोई फैब्रिक रिसीव हुई है। तो ये जो फैब्रिक है ये है टफेटा सिल्क। इसमें हमें कुर्ती मिल जाती है, ट्राउजर मिल जाता है और उसके साथ एक दुपट्टा मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दुपट्टा ही दिखा देती हूँ। ये है दुपट्टा जिसमें साइड्स पे ऐसे लेस लगे हुए हैं और ये प्लेन सी ऐसी दुपट्टा है पर्पल कलर की। उसके बाद बात करते हैं कुर्ती की, तो देख सकते हो कुर्ती की पैटर्न बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये देखो आप स्लीव्स, तो कितना अच्छा यहाँ पे बलून वाला बना के यहाँ पे ये ऐसा डिजाइन ना, मतलब मोस्टली मैंने ऐसे स्लीव्स की डिजाइन ब्लाउजेस में देखी है, तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कुछ तो यूनिक है, कुछ तो यूनिक डिजाइन इन्होंने दिया है। ये देखो यहाँ से पफ वाला इन्होंने दे दिया है और उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से फिट होने वाला है। तो यहाँ से आपके शोल्डर पे बलून वाला इफेक्ट आने वाला है और यहाँ पे फिर पॉम्पोम वाली बॉल लगा रखी है इन्होंने और सेम यहाँ पे गले पे आप देखो तो स्क्वायर नेक है और वही पॉम्पोम बॉल यहाँ डिजाइन में लगे हुए हैं। और ऐसी कोई यूनिक डिटेल है नहीं इसमें। पीछे से आपको चेन भी मिल जाता है, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि अगर आपको फिटिंग में कोई इशू हो रही है या आपको पहनने में बहुत दिक्कत होती है तो आप चेन का यूज़ कर सकते हो। और ये इतनी बड़ी सी, इसके देखो इतनी ज़्यादा इसमें घेर मुझे दिख रही है, यहाँ से कोई भी स्टिचिंग नहीं दिख रही है बट फिर भी इसके बावजूद बहुत ज़्यादा घेर है इसमें। इसके बाद हमें सेम फैब्रिक में प्लेन सी ऐसी ट्राउजर पैंट मिल जाती है। देखने में तो बहुत सही लग रही है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, फैब्रिक बहुत अच्छी लग रही है। कुछ यूनिक भेजा है ड्रेस में इन्होंने, बट अभी पहनने के बाद लुक कैसा आएगा, हम कैसे लगेंगे वो तो पहनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो अभी पहन के दिखाती हूँ। उसके पहले मैं बता दूँ इसमें भी साइज मैंने एम मंगाई है। इसकी फैब्रिक टफेटा सिल्क है और 1180 रुपीज इसकी प्राइस है। सो चलो अभी फटाफट से पहनते हैं। सो गाइज, देख सकते हो मैंने इसे वेयर कर लिया है और सबसे पहले ना मैं इस कुर्ती का आपको लुक दिखाती हूँ। दुपट्टा हटा के मैं यहाँ पे रख देती हूँ उसको और अब आप सूट का लुक देखो प्रॉपर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सूट मुझे बहुत ढीली हो रही है, मतलब एम साइज में मुझे इतनी तो नहीं ढीली होती है जितनी ये हो रही है, बट इसके लिए मैंने इसको पीछे से क्लच कर लिया है। तो आप अगर इसको अपने साइज में मंगाओगे तो आपको ये स्लीव्स भी परफेक्टली फिट होगी। और ये आप लुक देखो, मैंने इसको टाई कर लिया है पीछे से और अब आप इसका लुक देख सकते हो प्रॉपर। मतलब 1180 रुपीज में ये ड्रेस मिलना विद दिस फैब्रिक, बहुत ही अच्छी डील लग रही है मुझे और बहुत ही प्यारा ये ड्रेस लग रहा है मुझे। एक बार आप पास इसकी डिजाइन देखो तो बहुत ही यूनिक लग रहा है और इस पे आपको सेम कलर का ये देखो ट्राउजर भी मिल जाता है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फैब्रिक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, ट्राउजर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, लुक ऑसम है और इसके लिए आपने केवल और केवल 1180 यानी 1180 रुपीज पे करा है। और दुपट्टे की लेंथ भी मुझे काफी सही लग रही है, तो आप देख लो
तो यस, वेडिंग सीजन तो चल ही रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हो? अगर आपको लुक पसंद आ रही है, ड्रेस अच्छी लग रही है, तो जल्दी जल्दी जाओ मीशो से इसे परचेज कर लो, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस हॉल के लास्ट पार्सल यानी फोर्थ पार्सल की बात कर लेते हैं, और इसको भी कर रहे हैं ओपन। ओके, तो ये ब्लू कलर की, तो मतलब इस हॉल में ना मैं ये दो ड्रेसेस के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, एक तो पर्पल वाला और एक ये, क्योंकि इसका फोटो देखो बहुत ही अच्छा मुझे ये पैटर्न लगा था। और अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो इसकी प्रिंटिंग, ब्लू और व्हाइट का जो प्रिंट है, जो फ्लोरल वाला इन्होंने डिजाइन दिया, सब कुछ मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे फोटो में भी बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी इसका जो मैं ड्रेस है वो आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें हमें कोई अगेन ट्राउजर पैंट नहीं मिलता, ये कुर्ती और दुपट्टे का सेट है। तो कुर्ती, ओ वाव, तो कुर्ती की ये डिजाइन देखो, मतलब अभी बहुत वीडियोस के बाद ऐसी दो कुर्तियां हमें मिली है जिसमें कुछ तो यूनिक लगी है मुझे। स्लीव्स के, स्पेशली स्लीव्स के डिजाइन, उसमें उन्होंने पफ वाली स्लीव्स दी थी, और इसमें देखो तो यहाँ से इलास्टिक लगी हुई है और यहाँ पे टाई करके ये टैसल दिया है, मतलब ये पूरा आपके स्लीव्स में आने वाला है पैटर्न। वाव, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब आप इसका नेक देखो, मतलब नेक भी काफी यूनिक दे रखा है इन्होंने, ऐसी डिजाइन नेक की तो फर्स्ट टाइम ही हमें किसी कुर्ती में रिसीव हुई है। ये देखो, तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है इसका। पीछे आपको डोरियां मिल जाती हैं जिसमें सेम स्लीव्स वाले टैसल्स आपको मिल जाएंगे, और ये सूट पैडेड है, तो काफी कुछ दे रखा है। और यहाँ पे देखो इन्होंने प्लेट्स भी दिया है, तो काफी अच्छी घेर भी आने वाली है। तो ये हमारी हो गई कुर्ती, और इसके साथ हमें सेम फैब्रिक में दुपट्टा मिल जाता है, और इसमें भी साइड्स पे कोई लेस वगैरह नहीं लगे, केवल ऐसी फैब्रिक की पूरी दुपट्टा है। तो अब अगर इसके प्राइस की बात करूं, तो ये ड्रेस मैंने मंगाया है 960 रुपीस की, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे काफी सही लग रहा है। और ना इसमें भी मैंने साइज एम मंगाया है, और इसकी फैब्रिक ओरिगेंजा है। तो चलो अभी फटाफट से पहन के देखते हैं कि इसका लुक कैसा आता है। तो गाइज, देख सकते हो इस ड्रेस को भी मैंने वियर कर लिया है, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इस ड्रेस से। इसकी फैब्रिक ओरिगेंजा है, बट ये इतनी सॉफ्ट फैब्रिक है, इतनी कंफर्टेबल फैब्रिक है कि मैं क्या ही बताऊं। और अगर मैं इसकी प्राइस से कंपैरिजन करूँ, जो कि 960 है, उसके अकॉर्डिंग ये टोटली वर्थ इट है। और आप सोच रहे हो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें कोई खास डिटेलिंग तो नहीं है, बट जो कुछ भी डिटेलिंग है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, हैंड पे आपको इतनी प्यारी सी ये डिजाइन मिल जाएगी, लास्टिक लगी हुई मिल जाएगी, और साथ में ये टैसल मिल रहे हैं जो कि आपके सूट को बहुत ही बढ़िया लुक दे रहे हैं, कुछ तो डिफरेंट लुक दे रहा है, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेकंड चीज, इसकी प्रिंटिंग, इसका कलर कॉम्बिनेशन, तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू और व्हाइट का, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। और इसकी घेर भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे इन्होंने प्लेट्स दे रखे हैं, और आप देख लो, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, इतना ज्यादा इसमें घेर है। ये सूट पैडेड है और बहुत ही ज्यादा क्लासी लुक दे रहा है। आप देखो, मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ आप देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन मेरे ऊपर, मुझे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। और इसकी फिटिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि बहुत ही अच्छी, मतलब मेरे को एम साइज, मेरे बॉडी टाइप के अगर हो आप, तो आप आंख बंद करके एम साइज परचेज कर लेना, क्योंकि एम साइज मुझे बहुत ही परफेक्टली फिट हुआ है। तो लुक तो आप ऑलरेडी देख रहे हो, और मुझे मेरी राय पूछोगे तो पक्का मैं बोलने वाली हूँ जल्दी से जाओ परचेज कर लो। आपके घर में शादी पड़ी होगी, आपके आसपास पड़ोस में शादी पड़ी होगी, आपको अटेंड करने जाना होगा, हल्दी मेहंदी संगीत रिसेप्शन शादी, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो किसी ना किसी एक में तो आप इसे डेफिनेटली वेयर कर सकते हो। सो या जल्दी से जाओ परचेज कर लो, इस ड्रेस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखते हो, तो प्लीज जाइए और शॉर्ट्स वीडियो भी देखिए, वहां भी मैं बहुत ही ज्यादा क्यूट क्यूट से, बहुत ही यूजफुल से चीजों के बारे में बताती रहती हूँ। तो डेफिनेटली आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, इफ यू डिड सो देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।